अब आप शामिल हुए हैं, यहाँ पर तक आए हैं, तो कुछ ना कुछ बात मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, कुछ ना कुछ विचार अपने आपके सामने जरूर रखूंगा। सबसे पहली बात, ये अलग दुनिया है, ये अलग सिस्टम है, ये अलग तरह की सोच के लोग हैं, एक अलग, ये बाहर की दुनिया और यहाँ की दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है। वो शायद आपने यहाँ पर आके महसूस भी किया होगा। यस और नो? महसूस किया है? महसूस किया है? अरे कहाँ, 8-8 घंटे लोग ऐसे जमे रहते हैं, सजे रहते हैं। हम शादियों में जाते हैं तो 2 घंटे में बोर हो जाते हैं, पर यहाँ कोई बोर नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ हर कोई घर से निकला था तो एक उम्मीद के साथ लेके निकला था कि जा रहा हूं कुछ बन के आऊंगा, जा रहा हूं कुछ समझ के आऊंगा, कुछ लेके आऊंगा। और मैं आपको भरोसा नहीं, यकीन दिलाता हूं कि अगले 40 मिनट बाद जब आप गेट छोड़ोगे तो जो आए हो वो नहीं, कुछ बदल के जाओगे। और अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी भी सज्जन को, महापुरुष को मेरी बात कहीं भी गलत लगे तो 100% मैं कहता हूं हमारे परिवार में उसकी मर्जी है, वो आए ना आए, क्योंकि हम लोगों ने झूठ का व्यापार नहीं, हमने सच की नींव रखी थी 9 नवंबर 2014 को। लोगों ने आपको यहां पर आके बताया कि संजीव सर ने प्लेटफॉर्म बनाया, संजीव सर ने प्लेटफॉर्म बनाया तो मैं सक्सेस हो गया, संजीव सर ने प्लेटफॉर्म बनाया तो मैं सक्सेस हो गया। नहीं, ये प्लेटफॉर्म मैंने बनाया नहीं है। आप आज सच सुन के जाओ, ये प्लेटफॉर्म मैंने बनाया नहीं है। मैं डायरेक्ट सेलिंग करता था, मैं पहले आर्मी में था तो मेरे सपने थे, मैं सक्सेस होना चाहता था। मैं आर्मी में था तो मेहनत तो मेरे खून में बसती थी, तो अचानक किसी ने मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग से रूबरू कराया, इस कल्चर से रूबरू कराया कि एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस को करके कोई भी व्यक्ति, आम आदमी अपने सपने पूरे कर सकता है। तो मैंने इस बिजनेस के कल्चर को समझा, इसके एटमॉस्फेयर को समझा, इस बिजनेस के प्रिंसिपल्स को समझा, यार वाकई में ये तो बड़ा गजब का धंधा है। उसने बताया सन 2007 में कि यहां पर कोई जात पात नहीं देखता, कोई एजुकेशन नहीं देखता, कोई टैलेंट नहीं देखता, कोई बैकग्राउंड नहीं देखता, कोई डिग्री नहीं देखता, यहाँ पर सिर्फ आप अपनी हिम्मत से और मेहनत से बहुत आगे बढ़ सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो। तो ऐसे आर्मी पर्सन मेहनती तो था ही, कर्मठता तो मेरे अंदर कूट कूट के भरी थी। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की और मैंने पैसे भी कमाए, करोड़ रुपए भी मैंने कमाए। लेकिन फिर क्या हुआ, जो काम मैंने किया, जिन लोगों को मैं अपने सिस्टम में लेके आया, जिन लोगों को मैंने जो कुछ भी बेचा, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, पर कल्चर बहुत अच्छा था, यह बिजनेस का आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन जिस जगह मैंने काम किया, मैंने लोगों को कचरा बेच के नोट कमाए, मैंने लोगों को धोखा दिया, बेवकूफ बनाया, मैंने उनको वो चीजें बेची जो किसी काम की नहीं थी। मैंने दौलत कमाई लेकिन लोगों ने मुझे बद्दुआ दी। मुझे लगा सन 2011-12 तक मैंने वहां काम किया, 12-13 तक मैं नहीं समझ पाया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सच्चाई, मैं नहीं समझ पाया यहां अच्छे तरीके से भी काम हो सकता है। मुझे लगा यहां झूठ, मक्कार, चोरी से ही काम होता है, यहां घटिया प्रोडक्ट बेच के अच्छे पैसे कमाए जाते हैं, क्योंकि आर्मी पर्सन था भाई, एक रास्ते का चला हुआ था, इतना समझदार नहीं था, इतना टैलेंटेड नहीं था, MBA M.Tech नहीं था कि मैं चीजों को पढ़ सकूं, मैं तो सीधा साधा आदमी था, लगा हुआ था। जब मुझे पता चला, मैंने लोगों को बीमे बेचे, अपने रिश्तेदारों को 15-15 हजार दिए, 4 साल में 60 हजार रुपए गए, और जब वो लेने गए तो 15 हजार मिले, किसी को 10 हजार मिले, किसी को 12 हजार मिले। उन्होंने मुझसे कहा, ए संजीव क्या काम करता है यार, हमारा पैसा लुटवा दिया। मैंने पूछा क्या हुआ, बोला तुझे हमारे को ज्वाइनिंग करा के कितना पैसा मिला, बोला 500 रुपया। अरे बोले साले ऐसे 1000 मांग देते, ऐसे दे देते, हमारे 20 हजार क्यों डुबे।
हुआ कि इंडस्ट्री झूठ पे चलती है, यह मक्कार लोग बैठे हैं, बेवकूफ बना के लोगों को पैसा कमाते हैं। तब मैंने इंडस्ट्री ट्वीट कर दी थी, मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी और जिंदगी भर कसम खाई थी कि मैं जीवन में दोबारा डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा। लेकिन ये प्लास्टिक का कीड़ा साला मरता नहीं है। मैंने साल दो साल संन्यास ले लिया था, लेकिन फिर मैंने इस पे रिसर्च चालू करी। बैठे बैठे इंटरनेट गूगल पे देखने लगा, मैं देखने लगा कि क्या डायरेक्ट सेलिंग झूठ पे टिकी हुई है, क्या डायरेक्ट सेलिंग में सच नहीं बिकता, क्या डायरेक्ट सेलिंग में अच्छे प्रोडक्ट नहीं बिकते। तो मैंने यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, मलेशिया, सिंगापुर, जितनी भी कंपनियां, जितने भी लोग चला रहे हैं, वहां तक मैंने जानकारी हासिल की। तो मुझे पता चला कि दुनिया में एक से एक कंपनी है जिसके बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, लोग बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं और बहुत अच्छे प्रोडक्ट भी बेचते हैं। वहां से मुझे एक सोच आई, क्योंकि इंडस्ट्री से मैं मोहब्बत करने लगा था और इससे मोहब्बत करने का मेरा एक ही कारण था, एक ही कारण मुझे दिखता था कि अगर हिंदुस्तान में कोई इंडस्ट्री रोजगार पैदा करेगी तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पैदा करेगी। मुझे पता था भारत में बेरोजगारी का आलम, मुझे पता था भारत में बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी बच्चों की आज क्या हैसियत है, मुझे पता था आज बीटेक एमटेक करके भी बच्चे 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। आप समझ सकते हो 15,000 में जिंदगी कैसी चलेगी। एमबीए बीबीए करके बच्चों को 20,000 15,000 मिल रहे, आप समझ सकते हो जिंदगी कैसी चलेगी। तो कल्चर एक्सेप्ट कर चुका था, कल्चर एक्सेप्ट कर चुका था, यह इंडस्ट्री की पावर को एक्सेप्ट कर चुका था, लेकिन किसी कंपनी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलर था यार, मैं कभी मालिक नहीं बनना चाहता था, मुझे कोई शौक नहीं था मालिक बनने का। मुझे पता था मालिक बनने के बाद तेरी जिंदगी 100% लोगों के लिए डेडिकेट हो जाएगी, तो अपनी जिंदगी जी नहीं पाएगी। पता था मुझे, मैं कभी नहीं बनना चाहता था। मैंने सभी कंपनियों के प्लान देखे, सभी कंपनियों के प्रोडक्ट देखे, ज्यादातर कंपनियों में मुझे धोखा लालच दिखा, ज्यादातर कंपनियों में झूठ दिखा। किसी के प्रोडक्ट अच्छे थे तो प्लान में दम नहीं, किसी के प्लान में दम था तो प्रोडक्ट में दम नहीं। अल्टीमेटली लोग तकरीबन लोगों को यूज कर रहे थे, कमर्शियल ब्रांड से कर रहे थे। मैंने प्लेटफॉर्म बनाया नहीं, इन रामचौधरों ने मुझसे बनवा दिया। मैंने बनाया नहीं, मुझसे बनवा दिया। मैं मजबूर हो गया, परेशान हो गया। फिर मैंने एक मिशन लिया कि मैं हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर जो नेगेटिव परसेप्शन है उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा। मैंने मिशन लिया कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग डायरेक्ट सेलिंग करके कुछ नहीं बन पाए, मेहनत करने के बावजूद, उन्हें कुछ बनाऊंगा। मैं प्रूफ करूंगा कि दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी दिया जा सकता है और दुनिया का सबसे अच्छा पैसा भी दिया जा सकता है अगर नियत साफ हो। तो अरे इतनी प्यारी इंडस्ट्री, ना अमीर गरीब का भेद, ना डिग्री ना डिस्टेंस, ना एजुकेशन ना एक्सपीरियंस, ना दौलत ना पैसा, कुछ नहीं देखती, कुछ नहीं देखती, सिर्फ जज्बा देखती सपने। वहां पर लोग आना नहीं चाहते, लोग 15,000 20,000 का धंधा कर रहे हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करना चाहते। क्यों? नेगेटिव परसेप्शन, परसेप्शन नेगेटिव है। लोगों को लगता है वही कंपनियां हैं जो पहले चक्कर घुमा के गई, पैसे घुमा के गई, बेवकूफ बना के गई। नहीं तो आज हमें नेटवर्किंग करने में दिक्कत नहीं आती अगर हम पॉजिटिव परसेप्शन पैदा करते। और आज ज्यादा तो नहीं, भारत के अंदर आज असली केस के बारे में कोई माइक का लाल साला नेगेटिव बात नहीं कर सकता, कोई माइक का लाल नेगेटिव बात नहीं कर सकता। और किसी कंपनी के लिए अगर कुछ बोले तो बोले, असली केस के लिए पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। क्योंकि असली केस कंपनी के प्रोडक्ट जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस गांव, जिस घर गए, वो सारे मोहल्ले, वो गली, वो घर, वो गांव, वो शहर सारे पॉजिटिव है और कहते हैं यार प्रोडक्ट है तो असली केस वाले। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? अरे यस और नो?
हमारे अच्छे प्रोडक्ट है या नहीं, हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट है या नहीं। हमने मार्केट का माहौल बदल दिया, अच्छे अच्छे की सोच बदल गई। अरे बड़े बड़े नेता और अभिनेता आज डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट मंगा के खाते हैं, मंगा के खाते हैं कि यार मजा आ गया एसएलपीएस के गोल्डन मिल्क में, एसएलपीएस के चवनप्राश में, एसएलपीएस के टेस्ट ऑफ फास्ट में। आज उस कैटेगरी के प्रोडक्ट और वो डायरेक्ट सेलिंग हम लोगों ने बनाई, उसका रिजल्ट क्या आया, उसका रिजल्ट मैं बताता हूं कल शाम का।